नाउ बात करेंगे ग्रिड बैग लेआउट के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने लेआउट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ग्रिड बैग लेआउट, ठीक है, ग्रिड लेआउट के बारे में पढ़ा था, जो कि टेबल्स के फॉर्म में आपका जो डेटा है उसको हैंडल करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रिड लेआउट की, तो ग्रिड लेआउट आपका जो है इस तरह से होता है। अगर मैंने कहा 3x2 का करना है तो 3 कॉलम्स होंगे, 2 रोज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन जो इनका जो ये वाला जो एरिया होता है, इनके जो कॉलम्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ लेआउट क्रिएट करने, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, एक और लेबल, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड एंड एक बटन, तो ऐसा लेआउट मैं ग्रिड लेआउट से हेल्प से नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर ग्रिड बैग लेआउट। तो ग्रिड बैग लेआउट को आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो ग्रिड लेआउट की तरह ही वो होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे ये यूज करेंगे हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूँ ग्रिड बैग लेआउट। तो मैंने यहाँ पर लिखा ग्रिड बैग ओके। तो ऑल क्लासेस में जाएंगे, हमने कहा ग्रिड बैग लेआउट, ये रहा ग्रिड बैग लेआउट। ग्रिड बैग लेआउट का यूज करके हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको कंपोनेंट्स को सेट कर सकते हैं। आप कहाँ पर कंपोनेंट्स रखना चाहते हैं, कितना आप गैप करना चाहते हैं, कितना साइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको कैसे ये यूज होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रिड बैग लेआउट है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट जो है बहुत अच्छा लेआउट है, अगर आप बहुत बारीकी से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, उसी स्विंग एप्लीकेशन सैंपल में एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा न्यू जावा क्लास, और मैंने यहाँ पर App7 क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। तो मैंने कहा App8, App8 बनाएंगे, और यहाँ पर जो कुछ कोड है जो कि नेसेसरी है फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ओपन किया App7, और यहाँ से जो कोड है कंस्ट्रक्टर का जो कोड है वो उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूंगा, मैंने कहा एक्सटेंड्स जे फ्रेम, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्टर 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट किया। नाउ जो नेसेसरी कोड था मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया। नाउ यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम App8, हमने कहा न्यू App8, ठीक है। तो उसका हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिससे एक फ्रेम क्रिएट होगा। तो रन करते हैं App8.java को, तो ये एक फ्रेम क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज App8, ठीक है। तो रन करते हैं इसे, मैंने रन किया तो ये एक फ्रेम क्रिएट हुआ, ये App8 एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें बात करना है ग्रिड बैग लेआउट की। तो ग्रिड बैग लेआउट कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैनल क्रिएट कर लेता हूँ, उस पैनल में हम ग्रिड बैग लेआउट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो फ्रेम है, फ्रेम में मैं सेट कर देता हूँ, मैंने कहा दिस डॉट सेट लेआउट, हमने कहा दिस डॉट सेट सॉरी हमने कहा दिस डॉट सेट लेआउट, हमने कहा न्यू बॉर्डर लेआउट। तो जो फ्रेम है, फ्रेम में मैंने बॉर्डर लेआउट सेट किया, लेकिन यहाँ पैनल ऐड करूंगा, उस पैनल में मैं ग्रिड बैग लेआउट यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैनल क्रिएट करना है, मैंने कहा जे पैनल, पैनल क्रिएट किया है, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने कहा पैनल पैनल इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू जे पैनल, और जे पैनल को आप लेआउट मैनेजर पास कर सकते हैं। बनाते ही आप सेट लेआउट कॉल ना करें, इसलिए मैं कंस्ट्रक्टर में ही एक लेआउट मैनेजर का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा मैं यहाँ पर एक ग्रिड बैग लेआउट को पहले इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा ग्रिड ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट ग्रिड बैग लेआउट, और मैंने कहा बैग लेआउट ओके। तो इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा, तो मैंने कहा ग्रिड बैग लेआउट, हमने कहा बैग लेआउट इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू न्यू ग्रिड बैग लेआउट ओके। तो ग्रिड बैग लेआउट क्रिएट हो गया। नाउ इसे हमें लेआउट पास करना है, तो हमने कहा बैग लेआउट, तो बैग लेआउट मैंने पास किया। अभी देखेंगे कि बैग लेआउट में आप कैसे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ बटन्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, उससे पहले मैं एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ सिंपल कंपोनेंट को। हमने यहाँ पर कहा जे बटन बी इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू न्यू जे बटन, हमने कहा न्यू जे बटन न्यू जे बटन डन। इसका स्ट्रिंग हमको रखना है, तो हमने कहा बटन वन। तो ये एक बटन वन हमने क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह से हम और भी बटन्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे।
तो हमने और भी बटन क्रिएट किया, हमने कहा बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर, और बटन क्रिएट कर लेते, हमने कहा बटन फाइव, बटन सिक्स। तो सिक्स बटन्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो नेम चेंज करेंगे, हमने कहा बटन, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री एंड बटन फोर, बटन फोर, ठीक है। और इसका जो नाम है वो रख देते हम बटन, बटन वन, ठीक है। तो मैंने इसको किया बटन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ चार बटन, पांच बटन क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो एरर क्या हुआ है पर, ओके, तो यहाँ पर मुझे सेमी कोलन यूज करना है। डन, मैंने बटन को क्रिएट किया ना, बटन को ऐड करेंगे पैनल में। तो हमने कहा पैनल डॉट ऐड, पैनल डॉट ऐड, पैनल को मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैंने कहा पैनल में मुझे ऐड करना है क्या, मैंने कहा बटन को ऐड करना है, मैंने बटन वन को ऐड किया। तो इसी तरह से मुझे और भी बटन ऐड करना है, मैंने कहा बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ओके, तो जस्ट मैंने अभी ऐड किया हुआ है, मैंने ग्रिड बैग लेआउट को सेट किया हुआ है ना, पैनल को मैंने ऐड नहीं किया। मैंने कहा दिस डॉट, दिस मतलब फ्रेम, मैंने कहा फ्रेम डॉट ऐड, मैंने उसको पैनल ऐड दी, पैनल ऐड किया। तो फ्रेम में पैनल ऐड किया, पैनल में मैंने बटन ऐड किए। एग्जाम्पल को रन करेंगे तो आप देखोगे कि बटन से यहाँ पर लाइन से ऐड हो चुके हैं। तो ये इसमें कोई मैंने कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया, कंस्ट्रेंट मतलब मैंने उसको अलग से मैं बताया नहीं कि बटन को कहाँ कैसे ऐड करना। अगर मैं जनरली ऐसे ऐड करते जाता हूँ ग्रिड बैग के साथ, तो ये कुछ इस तरह से ऐड होता है जैसे कि फ्लो लेआउट काम करता है। फाइन, तो ये फ्लो लेआउट के जैसे भी काम कर रहा है। तो एक के बाद एक यहाँ पर जो बटन है वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रिड बैग लेआउट, तो लेकिन अब मुझे इस पर कंस्ट्रेंट सेट करना। कंस्ट्रेंट मतलब कि मुझे ऊपर से इसको बताना है कि नहीं आपको यहाँ ऐड होना है, आपको यहाँ ऐड होना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रिड बैग लेआउट कंस्ट्रेंट के। यहाँ पर एक ग्रिड बैग के लिए कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो हमने कहा उसके लिए कंस्ट्रेंट की एक क्लास है। तो वो क्या, ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट, ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट जी सी इज इक्वल टू, मैंने कहा न्यू ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट बनाएंगे, हमने कहा ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट बनाएंगे और डन। तो ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट क्रिएट किया हमने। नाउ आपको जीसी में कुछ वैल्यूज ऐड करनी होंगी कंस्ट्रेंट के लिए। तो मैंने कहा जीसी डॉट, जीसी डॉट ग्रिड एक्स। तो ग्रिड एक्स मतलब, तो ग्रिड एक्स इज इक्वल टू, अभी स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, ठीक है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में उसको किया जीरो, एंड ग्रिड वाई, ग्रिड वाई इज इक्वल टू मैंने कहा जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रिड वाई और ग्रिड है। तो पहले मैं एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पास किया जी सी, और इसी तरह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने कहा इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे, एक्स और वाई, ठीक है। तो मैंने ये किया ना, इसको मैं कर देता हूँ ओके डन। तो इस लाइन को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो मैंने कहा वाई इज इक्वल टू मैंने कहा वन, और एक्स इज इक्वल टू मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू मैंने कहा वन, और वाई इज इक्वल टू जीरो, डन। और इसके बाद अगेन मैंने यहां पर कहा, ऐसा कर सकते हैं कि हमको इसकी वैल्यू अगर जीरो ही रखनी है तो हम दोबारा इसको नहीं लिखते, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट लाइन में, मैंने कहा जी सी डॉट, जी सी डॉट ग्रिड एक्स, जी सी डॉट ग्रिड एक्स इज इक्वल टू, जीरो, एंड जी सी डॉट, जी सी डॉट ग्रिड वाई, इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो मैंने इसमें वन ऐड किया ना। उसी तरह से मैंने यहाँ पर कहा ग्रिड एक्स इज इक्वल टू, वन, और इसी तरह से लास्ट में हमने कहा ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ग्रिड जी सी, डॉट ग्रिड वाई इज इक्वल टू, टू। मैंने इतना किया। और यहाँ पर आपको कंस्टेंट भी पास करना होता है लेआउट ऐड करते टाइम, लेआउट में कंपोनेंट ऐड करते टाइम। तो मैंने यहाँ पर जी सी पास किया, जो कि जी सी क्या है, जी सी एक कंस्टेंट है। तो मुझे यहाँ पर कंस्टेंट पास करना, तो मैंने यहाँ पर कंस्टेंट को पास किया। ओके, तो सेमी कोलन लगाना है, सेमी कोलन, ओके डन। तो इस एग्जाम्पल को मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि आउटपुट क्या है। तो आउटपुट एक्सपेक्टेड है, जो जैसा कि था, जो मैंने सोचा था वही यहाँ पर आया हुआ है। तो एक बार बात करेंगे कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी, और अब देखते हैं कि मैंने जो कोड लिखा है वो मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है। फाइन, तो होता क्या है कि अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या कहा, जो अभी ग्रिड जी सी, ग्रिड एक्स, ग्रिड वाई क्या है। तो इस जो जो स्क्रीन मैंने बनाया हुआ, जो कि पैनल है, इसमें अनलिमिटेड मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है इस साइड और वाई में। तो साइड बहुत सारे ऐसे ग्रिड क्रिएट हो चुके हैं, ग्रिड क्रिएट हुए हैं ऑटोमेटिक। जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा वैसे वैसे इसमें ग्रिड ऐड होते जाएंगे। मैं भी बता नहीं रहा हूँ कि मैंने कितने ग्रिड क्रिएट किए। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ अभी जीरो ग्रिड है,
मैं भी मान सकता हूँ जीरो ग्रेड है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मान के कि यहाँ पर जीरो ग्रेड है। अब अगर जीरो है तो क्या हुआ, तो मैंने कहा कि जी सी जो ग्रेड है, ग्रेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अभी कोई ग्रेड नहीं था, तो अब मैंने कहा ग्रेड एक्स जीरो करना है। तो एक्स मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, वाई मतलब कि ये वाला डायरेक्शन। मैंने कहा ग्रेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक ग्रेड क्रिएट हुआ जीरो लेंथ जीरो पर, ठीक है। एक्स का वैल्यू जीरो ना, वाई का वैल्यू जीरो, तो एक रो क्रिएट होगा जिसमें वाई मतलब रो, तो रो भी जीरो है और एक्स भी जीरो करना है आपको। तो ये वाला कॉलम आया, ये वाला ग्रेड आया, तो यहाँ पर मैंने एक बटन को ऐड किया, मैंने जी सी पास किया, तो ये बटन यहाँ ऐड हो गया। अब मैंने कहा ग्रेड एक्स इज इक्वल टू वन, ग्रेड एक्स मतलब कि इस डायरेक्शन में आपको जाना, तो ग्रेड एक्स की वैल्यू वन की है मैंने, और वाई की वैल्यू अभी क्या है, वाई की वैल्यू जीरो है, तो वाई की वैल्यू जीरो मतलब कि अभी भी वाई को जीरो ही रखना है। मैंने कहा जीरो पर, तो वही यहाँ मैंने क्या किया, एक्स जीरो वाई जीरो, तो जीरो जीरो। मैंने कहा एक्स जीरो वाई वन, एक्स वन और वाई जीरो, मैंने कहा एक्स वन वाई जीरो। तो ये इस तरह से यहाँ पर काम करता है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। तो ये दो बटन हमने ऐड की, नाउ हमने कहा ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, सॉरी ओके। तो नेक्स्ट लाइन ये है, हमने कहा एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अब वाई का वैल्यू क्या है, वन है, तो वाई का वैल्यू वन यहाँ पर होगा, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन वाई में, और यहाँ पर एक्स में ये हो गया जीरो, ये हो गया वन। अब मैंने कहा ग्रेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये रहा ग्रेड वाई जीरो, तो ये भी है ये भी है, लेकिन अब मैं देखूंगा वाई इज इक्वल टू वन, मैंने कहा वन वाई है और एक्स जीरो है, तो मतलब कि ये वाला, तो यहाँ पर एक बटन ऐड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, तो अब मैंने कहा ग्रेड एक्स इज इक्वल टू वन, तो ग्रेड एक्स वन मतलब कि ये वाले रो, इस वाली लाइन पे आएंगे अब बटन। तो अब एक्स वन है और वाई को अब मुझे चेक करना कि यहाँ पर, कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो वाई का वैल्यू अभी क्या है, वन है, यहाँ पर मैं चेंज नहीं किया, इसका मतलब अभी वाई का वैल्यू वन है, तो ग्रेड वाई का वन मतलब कि यहाँ पर आया। नेक्स्ट कंपोनेंट ग्रेड एक्स जीरो, अगेन जीरो की बात हुई, तो जीरो में ये तीन कॉलम आ सकते हैं, लेकिन अब ग्रेड वाई क्या है, टू है, तो वाई में टू है, एक्स में जीरो है, तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बटन यहाँ पर ना आए, ये बटन केवल यहाँ आए, ये वाला ब्लैंक रहे, तो आप इसको वन कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसे जैसे आप काम करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। मैंने इसको वन किया और मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखो कि ये बटन यहाँ पर आ चुका है, फाइन। तो ये इस तरह से यहाँ पर काम करता है, डन। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं वन नहीं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ टू हो जाए, तो मैंने इसको अब रन करूंगा, तो आप देखोगे कि बटन और आगे खिसक गया है। तो जैसे जैसे मैं ग्रिड ग्रिड की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे आगे ऑटोमेटिकली वर्चुअली ये ग्रिड क्रिएट होते जाएंगे, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिक्स और मैंने उसको रन किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो टू के बाद थ्री ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए वो आकर आगे वहीं पर ऐड हो गया थ्री के जैसे। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब उनके बीच में अगर आप गैप रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हमने कहा जी सी डॉट इनसेट्स, इनसेट्स क्या करता, पैडिंग ऐड कर देता। हमने कहा इनसेट्स इज इक्वल टू न्यू इनसेट्स, न्यू इनसेट्स, और यहाँ पर टॉप लेफ्ट बॉटम आपको गैप पास करना, मैंने कहा टेन कॉमा टेन कॉमा टेन कॉमा टेन। तो ये मैंने कुछ गैप्स पास किए हैं, मार्जिन समझ सकते हैं आप इसको। तो जी सी डॉट इनसेट मतलब हर एक के लिए ये सेम यहाँ पर गैप रहेगा। तो मैंने इसको रन किया, तो आप देखोगे आप यहाँ पर गैप क्रिएट हो चुका है, फाइन। तो ये गैप क्रिएट हो गया, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको वन कर देता हूँ और ना इसको रन करते हैं। तो मैंने रन किया, तो आप देखोगे कि इस तरह से मैंने बटन को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा जैसे आप काम करते हैं। तो ये जो जी सी डॉट इनसेट्स है, ये हर एक के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नीचे के दो बटन है, इनमें गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर तो 10 रखना चाहता हूँ, तो ये जो जी सी मैंने अगर इसमें ऐड किया और इसमें भी ऐड किया, तो ये सेम इनसेट यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद में यहाँ पर मुझे जी सी पास करना, ओके। तो मैंने इसके बाद में मुझे गैप ज्यादा करना है, तो मैंने यहाँ पर करना है, मैंने कहा 20 और मैंने कहा यहाँ पर 20। तो ये जो 10 10 10 जो है इस इन दोनों में अप्लाई होगा, और इसके बाद जो बाकी इनमें 20 20 अप्लाई, क्योंकि ये जीसी की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। नाउ रन करते हैं एप्लीकेशन, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो गैप है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कि ये थोड़ा सा इस साइड है और ये देखोगे आप, तो वो क्यों है, क्योंकि मैंने वहाँ वैल्यूज को 20 कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू 20 की है मैंने, इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब एक बार और इसको यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये सारा जो कंस्टेंट है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंस्टेंट को रिमूव किया, ओके। मैंने सारा कंस्टेंट यहाँ से रिमूव कर दिया है और मैंने उसमें जीसी को ऐड किया। नाउ रन करेंगे, तो आप देखोगे कि जो सिंपल एग्जांपल था वो। नाउ एक एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं, मैं चाहता हूँ कि बटन एक के बाद एक यहाँ पर ऐड हो इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ पहला बटन कहाँ ऐड हो, जीरो जीरो पर, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो। नाउ दूसरा बटन कहाँ हो, वाई का वैल्यू वन हो गया और एक्स का वैल्यू जीरो। नाउ अगेन ये जीरो टू पर, ये जीरो थ्री पर, ये जीरो फोर पर।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ये एक्स में ये वन है और इस साइड अगर वाई की ओर जाएं तो वन टू थ्री फोर, तो जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर, इस तरह से मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि आप देख रहे हैं जो एक्स का वैल्यू वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है मुझे केवल वाई का वैल्यू चेंज करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा जी सी डॉट ग्रेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके, और जो जी सी डॉट ग्रिड वाई का वैल्यू आपको हर बार इंक्रीज करना, तो स्टार्टिंग में तो आपको जीरो रखना है, इसके बाद आपको क्या करना है उसका वैल्यू इंक्रीज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जी सी डॉट ग्रिड वाई प्लस प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार इंक्रीज करना है, तो वन टू थ्री आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया, डन। इसको आप हर एक बटन को ऐड करने के बाद लिखेंगे क्योंकि आपको वैल्यू इसको चेंज करना है। तो मैंने इसको लिखा और अब मैंने ऐड किया, तो आप देखोगे कि एक लाइन से आपको जो बटन है वो दिखेंगे कुछ इस तरह से। तो ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे आप कैसे इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, कैसे उसको एज अ मैट्रिक्स अगर आप समझते हैं तो आसानी इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रिड बैग लेआउट इस तरह से काम करता है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको पढ़ा था मुझे समझ में ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाला लेआउट है। इसलिए थोड़ा सा आसानी नहीं है समझने में, पर बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने ऐड किया ना, आपने देखा कि बटन बहुत पास पास थे, तो क्या करेंगे, हमने कहा जी सी डॉट इनसेट्स इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू इनसेट्स, और यहाँ पर आपको वैल्यूज पास करनी है, तो हमने कहा टॉप में 10, देन इसी तरह से हमने कहा 10 10 का आपको गैप रखना है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डन। रन करते हैं तो अब आप देखोगे, ओके एरर है, न्यू इनसेट्स, ठीक है, ओके नाउ रन करेंगे तो आप देखोगे बटन्स के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा हो। ठीक है, उसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि जी सी डॉट, यहाँ पर आप देखोगे अबव बेसलाइन बोथ सेंटर, तो आप इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर मैं इसमें सेंटर का यूज करता हूँ, फर्स्ट लाइन एंड का यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन एंड का यूज करेंगे, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जी सी डॉट एंकर, जी सी डॉट फिल, तो इन सब का आप यूज कर सकते हैं, आई पैड, आई विड्थ एक्स, तो इनको आप डॉक्यूमेंटेशन से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंकर में क्या करेगा, तो एंकर के लिए आप देखो एंकर इज इक्वल टू, हमने कहा जी सी डॉट ईस्ट, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कहा रन करते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा अभी आपको कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रिड एक्स, कॉपी कर लेते हैं इसको, हमने यहाँ पर कहा प्लस प्लस, सॉरी ग्रिड एक्स का वैल्यू मैंने किया यहाँ पर प्लस प्लस, नाउ ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जीरो, नाउ यहाँ पर हम कर देंगे गेट ग्रिड एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हम कर देंगे गेट ग्रिड एक्स प्लस प्लस, तो सेम वही रो एंड कॉलम मैंने अरेंज किया हुआ है, तो कुछ इस तरह से मैंने अरेंज किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं, मैंने इसको जीरो जीरो में ऐड किया, नाउ मैंने वाई का वैल्यू प्लस किया है, और वाई का वैल्यू मैं प्लस नहीं करना चाहता हूँ, वाई का वैल्यू इज इक्वल टू हमने कहा जीरो, डन। अब y का वैल्यू प्लस करेंगे और इसके बाद हमने कहा y का वैल्यू यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू हमने कहा जीरो, रन करते हैं तो यहाँ पर तीन बटन इस तरह से ऐड हुए। ठीक है, ओके एक बार ट्राई करते हैं, हमने कहा ग्रिड x जो जीरो है जीरो है ना, जो दूसरा बटन हमको चाहिए वो चाहिए जीरो और वन पे, तो x का वैल्यू हमको यहाँ पर जीरो रखना था, सॉरी यहाँ पर मैंने कहा इसका वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू हमको प्लस प्लस करना है, इसके बाद जो वाई का वैल्यू है वो रहेगा वो सेम रहेगा, सेम एज पहले जैसा रहेगा, और जो एक्स का वैल्यू है, जो एक्स का वैल्यू है वो रहेगा यहाँ पर जीरो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर करेंगे प्लस प्लस, और यहाँ पर ये जो इसका वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगा जीरो। इसके बाद मुझे ग्रिड वाई का वैल्यू इंक्रीज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने कहा जी सी डॉट ग्रिड वाई इज इक्वल टू, वाई को हमने कहा प्लस प्लस। ठीक है, तो वाई को मैंने प्लस प्लस किया, तो इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में जीरो जीरो, उसके बाद एक्स का वैल्यू प्लस हुआ, तो जीरो का वाई का वैल्यू जीरो ही रहेगा लेकिन एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू प्लस प्लस हुआ, नाउ एक्स का वैल्यू मुझे यहाँ पर वन करना है और वाई का वैल्यू इस बार मुझे कॉन्स्टेंट रखना है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने कहा ग्रिड वाई का वैल्यू इस बार प्लस प्लस करना है और ग्रिड एक्स का वैल्यू जीरो। आई होप ये सही होगा इस बार, तो ये सही है। ठीक है, मुझे इस तरह से ये लेआउट चाहिए था, मैंने कहा 2 3 4 5 डन, तो इतना काफी अभी इसके लिए। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि एंकर का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा ईस्ट है, ओके, तो एक बार इसको बिना कुछ के मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे ये एग्जांपल है। ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो एंकर को अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, एंकर को हमने कहा एंकर इज इक्वल टू हमने कहा जी सी डॉट
जी सी डॉट फर्स्ट लाइन एंड, ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जब इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करे हुए तो आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हो, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंटेशन, ओके, एक काम और कर लेते हैं। हमने कहा दिस डॉट पैक, और नाउ इसको रन करते हैं। तो ये देखोगे आप कुछ इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे। तो इन कॉन्स्टेंट का यूज करना है, ग्रिड बैक कंस्टेंट में जाना है। कंस्टेंट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या करते हैं वो आप देख सकते हो। तो ये एंकर वैल्यू है, एंकर फील्ड है, पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंकर फील्ड, अबव बेस लाइन, लीडिंग एंकर बेस लाइन। तो ये वैल्यूज का आप अलग अलग यूज करेंगे जब आप जो बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कैसे इसका यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ बोथ, मैंने यहाँ पर लिखा बोथ डन, और रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, इलीगल एंकर वैल्यू, फाइन, इलीगल एंकर वैल्यू, ठीक है। दूसरा वैल्यू ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा सेंटर, रन करते हैं। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर गैप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर गैप क्रिएट किया, जिसके आपने कंपोनेंट्स को ऐड किया इस तरह से, कंपोनेंट्स को ऐड किया, ठीक है, इस तरह से, अगर आप लाइन एंड करते हैं तो ये एंड से स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से, सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आते हैं, इस तरह से ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो आप जैसे जैसे इसमें एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो उसे आप आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना काफी है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे, लॉग इन फॉर्म, और लॉग इन फॉर्म क्योंकि हम आगे जब एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो देखेंगे लॉग इन फॉर्म कैसे इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद हम उसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। फाइन, इस वीडियो में इतना ही। ये था ग्रिड बैग लेआउट, जो कि बहुत जरूरी था, ठीक है। तो यूज करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में, और फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। थैंक यू।